बेसिकली जो टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर से वो है बाटर एक्सचेंज बाटर एक्सचेंज क्या होता है आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट द मनी लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी एंड द बैंक मनी ये चार छोटे छोटे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में तो चलते हैं हम नेक्स्ट like की तरफ इज ऑल अबाउट बाटर एक्सचेंज बासचेंज के फंक्शन लिमिटेशन कुछ भी नहीं आएगा पेपर में सो जस्ट यू जस्ट है डेफिनेशन तो बाटर एक्सचेंज क्या होता है एक्सचेंज गुड्स फॉर गुड्स जब आप एक गुड के बदले दूसरा गुड चेंज करते हैं उसे कहते हैं बाटर एक्सचेंज तो एन इकोनॉमी वे देर इज अ डायरेक्ट बाटर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड बार्टर इकोनॉमी जिस भी इकोनॉमी में आप गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हो गुड्स से कॉम्युडिटी को एक्सचेंज कर रहे हो कॉम्यूडिटी से हम उसको बाटर इकोनॉमी बोलते हैं और इकोनॉमी भी बोलते हैं सी फॉर कॉम्युडिटी दैट इज कॉम्युडिटी टू कॉम्युडिटी ठीक है तो बेसिकली इसमें यही आ गया बाटर सिस्टम जब आप गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करते हैं बट यू ऑलरेडी नो कि इसमें हमें काफी प्रॉब्लम आती है फॉर एग्जाम्पल ए है ऑल right, और ए के पास है वीट ऑल right, और बी है बी के पास है शूज ऑल right, अब ए को तो शूज चाहिए ए वॉन्ट शूज Right? So, बीट दूंगा लेकिन बी क्या कहेगा बी मना कर देगा वो कहेगा मैं शूज क्यों मैं बीट क्यों लू आई नीड राइस तो मैं तुम्हें शूज नहीं दूंगा तो इसे कहते थे द प्रॉब्लम ऑफ डबल को इंसिडेंट ऑफ वॉन्ट ओके द प्रॉब्लम ऑफ डबल को इंसिडेंट ऑफ वंस तो बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ डबल को इंसिडेंट ऑफ वंस का एग्जाम्पल आपने देखा है सो so बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज हमारे पास है जरूरी नहीं है दूसरे बंदे को वो ही चीज चाहिए हूँ यू माइंड वॉन्ट एनी अदर थिंग सो ही वॉन्ट एक्सचेंज हिज गुड विथ योर गुड और राइट एंड इस रीजन को इसी रीजन को रिजोल्व करने के लिए मनी आया था और राइट right?

मेजर ऑफ वैल्यू कोई भी पेपर नोट ले लो या कॉइन ले लो दे हैविनोमिनेशन दे हैवैल्यू देव अ वर्थ और उसी वर्थ को आप गुड्स एंड सर्विसेज से कंपेयर करते हो राइट मनी वर्क एज अ कॉमन डिनोमिनेशन इन विच ऑल द वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस आर एक्सप्रेस्ड फिर आता है स्टोर ऑफ वैल्यू मनी कैन बी यूज टू ट्रांसफर परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर स्टोर ऑफ वैल्यू जो है मनी की डिनोमिनेशन की वो वही रहती है ना वो ज्यादा होती है ना वो कम होती है सो मनी कैन बी यूज टू ट्रांसफर परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर प्रेजेंट से फ्यूचर में मेरी परचेसिंग पावर को ट्रांसफर कर सकती है नेक्स्ट एज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट डेफर्ड पेमेंट की मैं बात करूं तो डेफर्ड पेमेंट मींस फ्यूचर पेमेंट राइट डेफर्ड पेमेंट मींस फ्यूचर पेमेंट सो बेसिकली मनी एक्ट एज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड आर टू बी मेड इन फ्यूचर्स ठीक है सो so कंक्लूजन क्या है मनी थिंग मनी इज एनी थिंग विच परफॉर्म्स ऑल दीज फंक्शन लाइक जनरली एक्सेप्टेड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज सेकेंड मेजर ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू थर्ड ज मेजर ऑफ वैल्यू फोर्थ हो गया स्टोर ऑफ वैल्यूटिकली फोर्थ हो गया स्टोर ऑफ वैल्यू तो जो ये चारों फंक्शन फुलफिल करती है दैट इज नोन एज मनी सो मनी क्या कवर करता है कॉइन्स करेंसी नोट चेक्स प्लास्टिक मनी डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी आते हैं आज के टाइम पे प्लास्टिक मनी में एंड शो ऑन ओके

राइट सो ऑन द बेसिस ऑफ लीगल रिकोगशन मनी दो तरीके के होते हैं एक होते लीगल टेंडर मनी और एक होते नॉन लीगल टेंडर मनी लीगल टेंडर मनी विच इज लीगली यूज टू मेक पेमेंट्स ठीक है और कोई तुम्हें उसको एक्सेप्ट करने से मना नहीं करेगा दैट इज पेपर नोट्स ओके लीगली यूज टू मेक पेमेंट दैट इज पेपर नोट्स और नॉन लीगल टेंडर मनी में आता है इट इज एक्सेप्टेड बाय ऑल बट दे आर नॉट लीगली बाउंड टू एक्सेप्टेड सब उस चीज को एक्सेप्ट जरूर कर रहे हैं एज अ मनी बट दे आर नॉट बाउंड टू एक्सेप्टेड एग्जाम्पल बैंक ड्राफ्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज चेक्स ओवर ड्राफ्ट ऑल राइट सोन एक्सेप्टेंस इज टोटली ऑप्शनल ये बिल्कुल ऑप्शनल है कि तुम उसको एक्सेप्ट करो या ना करो एंड दैट इज वाई दिस नॉन लीगल टेंडर मनी इज नोन एज ऑप्शनल मनी इसी रीजन की वजह से जो ये नॉन लीगल टेंडर मनी है इसको ऑप्शनल मनी कहा जाता है ऑल राइट मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड और नेक्स्ट स्लाइड से लीगल टेंडर मनी अब लीगल टेंडर मनी को दो अभी हमने लीगल और नॉन लीगल दोनों पढ़ा है लीगल में आ गया पेपर नोट नॉन नॉन लीगल में आ गया बैंकों को ड्राफ्ट चेक्स यू डायर क्लियर सो लीगल टेंडर मनी जो है वो दो तरह के है एक है लिमिटेड लीगल टेंडर मनी और दूसरा है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी लिमिटेड लीगल टेंडर मनी की बेसिकली ये क्या है कि आप उसको अगर आप लिमिटेड लीगल टेंडर मनी पे कर रहे हो तो एक सर्टेन लिमिट तक पे कर सकते हो स no, हमारा लॉ कहता है कि अगर कॉइंस चाहे वो एक रुपए का है चाहे दो का हो चाहे पांच का हो अगर आपने मुझे हजार से ऊपर दिया आई कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट राइट हाँ, हजार से नीचे आई के कंप्लेंट अगेंस्ट मी सो लिमिटेड लीगल टेंडर मनी क्या हुआ इट इज दैट फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर मनी विच कैन बी पेड इन डिस्चार्ज ऑफ अ डेप्ट अप टू अ सर्टेन लिमिट एंड बियॉन्ड दिस लिमिट पर्सन कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द पेमेंट

Alright, अगर मैं अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी की बात करूं तो ये वो लीगल टेंडर मनी है ठीक है? मनी कोई भी पर्सन रिफ्यूज नहीं कर सकता एक्सेप्ट करने से ऑल राइट सो इट इज दैट फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर मनी विच कैन बी पेड इन डिस्चार्ज ऑफ अ डेप्ट ऑफ एनी अमाउंट क्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट द पर्सन हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस मनी एग्जाम्पल इन इंडिया पेपर नोटिमिटेड मनी क्लियर सो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है सो ये बैंक मनी बैंक मनी क्या है ध्यान से देखो जो भी मनी हम बैंक में डिपोजिट कराते हैं दैट इज बैंक मनी ठीक है एंड इट इज बैंक मनी इज ऑल्सो नोन एज डिमांड डिपॉजिट बैंक मनी इज ऑल्सो नोन एज डिमांड डिपॉजिट वाई बैंक मनी इज ऑल्सो नोन एज डिमांडिट विच इज आई कैन बेसिकली विदड्रॉ माई मनी ऑन माई डिमांड ठीक है सो इट रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट विच इज क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक ओके एंड इट इज ऑलवेज रिपेबल ऑन डिमांड हमेशा वो डिमांड पे रिपेबल है डिपोजिटर्स आर गिविन चेक फैसिलिटीज डिपोजिटर्स को चेक फैसिलिटीज दी जाती है टू विद्रॉ मनी फ्राम देयर अकाउंट और टू मेक पेमेंट्स और ये एक नॉन लीगल टेंडर मनी है और इसको हम ऑप्शनल मनी भी बोलते हैं नॉन लीगल टेंडर मनी अभी हमने पढ़ा था जिसमें आते हैं चेक ऑल राइट इसमें आते हैं बैंक ड्राफ्ट इसमें आते हैं एनई एफ टी सो बैंक मनी से ही ये सब होता है सो वी रेफर टू इट एज इन ऑप्शनल मनी सो दैट इज इट फॉर टूडे अगर गाइज कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो सो दैट आई कैन मेक अ वीडियो ऑन योर डाउट एंड अभी तक मुझे कमेंट करके सब बताइए आप लोगों को समझ आया नहीं आया And agar aap, if you are interested in offline, online classes or Zoom classes or a zoomed out session, you can contact me on the number given below in the video. And yes, if you want notes do not forget to follow me on Telegram, on Instagram, and Facebook. No Jaga Notes Upload jayenge. and koi bhi doubt hota, you can ask me there as well. So I will be meeting you guys in my next video. Do not forget to ring the bell icon for upcoming such videos and do not forget to subscribe my channel